is the time to make or break your future. जिस सब्जेक्ट में आपकी ग्रेजुएशन या मास्टर्स होता है ना, वो आपको CSS में नहीं रखनी चाहिए. कितने स्मार्टली आप पढ़ते हो, ज़्यादा पढ़ने से CSS पास नहीं होता. आप जैसे कि टॉपर इस दफ़ा की खातून ही है, तो ये सब फर्क नहीं पड़ता इफ यू आर अ फीमेल और अ मेल. गाइडलाइन बहुत ज़रूरी है. गाइडलाइन के बगैर CSS इज़ वेरी हार्ड. गाइडलाइन के बगैर आपको डबल या ट्रिपल मेहनत करनी पड़ेगी. जब मैं भी आई थी तैयारी करने की अकेडमी में, तो मुझे ये नहीं पता था कि व्हाट इज़ CPET. कुछ लोग दिन में 8 घंटे पढ़ लेते हैं एंड दैट इज़ नॉट प्रोडक्टिव. कुछ लोग दिन में 4 घंटे भी पढ़ लेते हैं, दैट इज़ प्रोडक्टिव. इससे इसलिए पास नहीं होता क्योंकि हम ऐसे की तैयारी नहीं करते. हम बाकी सारे 11 मजामीन पढ़ते रहते हैं, लेकिन ऐसे की तरह तवज्जो नहीं देते. तो 700 नंबर होंगे तो यू विल गेट एलोकेटेड. टाइम इन्वेस्टमेंट है, मनी इन्वेस्टमेंट नहीं है. मेरा पुत्र अफसर बनेगा, तो दैट जस्ट वॉज द मोटिवेशन बिहाइंड कि मैंने CSS करना है. मुसलमान इस्लाम हर पेज पर फेल होते हैं क्योंकि हमें CSS का इस्लाम लिखना होता है पेपर में. इंटरनेशनल लॉ, तो इंटरनेशनल लॉ इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. अगर आप उसको समझ पाते हैं, इफ़ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, तो आपके लिए आंसर करना मुश्किल नहीं है. वहाँ से तो एक वो अटूट रिश्ता बन चुका है. इट वुड नॉट हैव पॉसिबल विदाउट नोवा. नोवा इज़ लाइक अ होम टू मी. बेसिकली मैं एज आई ग्रू अप, माई फादर वॉज लाइक ए मेरा पुत्र अफसर बनेगा, तो दैट जस्ट वॉज द मोटिवेशन बिहाइंड कि मैंने CSS करना है. Because there was like no other way or no other thing which interested me, so I was like, yeah, CSS to karna. Meri bahut different field thi. Maine physics mein masters kiya hua from Qaid e Azam University Islamabad, aur main LLB kar rahi hu from Punjab University. Aur LLB maine CSS ke exams ke saath start kar liya tha. So I had a very different background, like it didn't have any correlation with CSS. It's just a myth. It's just how you study things. कितने स्मार्टली आप पढ़ते हो, ज़्यादा पढ़ने से CSS पास नहीं होता. देखिए, ये हर बंदे के लिए मुख्तलिफ है. कुछ लोग दिन में 8 घंटे पढ़ लेते हैं एंड दैट इज़ नॉट प्रोडक्टिव. कुछ लोग दिन में 4 घंटे भी पढ़ लेते हैं, दैट इज़ प्रोडक्टिव. अगर आप एक जगह टिक के बैठ के पढ़ते हैं विदाउट यूजिंग एनी सोशल मीडिया ऐप्स, सकून से बैठ के अगर आप दिन में 3-4 घंटे भी पढ़ लेते हैं, तो आई थिंक दैट इज़ मोर देन इनफ. आपको बस गोल होना चाहिए कि मैंने आज की तारीख में ये चीज़ें ख़त्म करनी है. मैंने ऐसे आई नेवर रोट अ फुल ऐसे, लेकिन मैंने इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, कनेक्टिंग पैराग्राफ और आउटलाइंस लिखी हैं. आउटलाइंस बहुत लिखी. इससे पास करना इज़ द ईजीएसट. इससे इसलिए पास नहीं होता क्योंकि हम ऐसे की तैयारी नहीं करते. हम बाकी सारे 11 मजामीन पढ़ते रहते हैं, लेकिन ऐसे की तरह तवज्जो नहीं देते. ऐसे इज़ लाइक द ईजीएसट टू पास इन अ वे कि अगर आप देखें पास पेपर्स, तो कितने अगर आप डिवाइड कर दें तो ब्रॉड कैटेगरीज़ हैं. इकॉनमी है, गवर्नेंस, अकाउंटेबिलिटी, वुमेन एम्पावरमेंट वगैरह वगैरह, इस तरह के टॉपिक्स हैं. द ईजीएस्ट वे टू डू इज़ कि आप बस उनके एक जर्नल, एक आपके पास आइडिया हो, डेटा हो, फैक्ट्स एंड फिगर्स हो, और फिर आप उनको मोल्ड कर लें एज पर द एसे. तो इट्स ऑल अबाउट हाउ यू राइट. इट वॉज माई सेकेंड अटैम्प बेसिकली. आई अपीयर्ड फर्स्ट टाइम इन 2017 एंड आई ऑप्टेड फिजिक्स एंड देन इंटरनेशनल रिलेशंस, सोशोलॉजी इंटरनेशनल इन द फर्स्ट टाइम. लेकिन फिर इन 2018 आई ड्रॉप फिजिक्स एंड आई ऑप्टेड यू एस हिस्ट्री एंड जेंडर स्टडीज. तो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स वॉज हार्ड. लाइक आई वॉन्टेड टू स्टडी IR हमेशा से, तो मैंने IR इसलिए हमेशा दोनों अटेम्प्ट में रखे. जेंडर स्टडीज़ आई थिंक इट वॉजन माई सब्जेक्ट. मुझे इट डिडंट इंटरेस्ट मी दैट मच, बट इट्स एन ईजियर सब्जेक्ट तो लोग ऑप्ट कर लेते हैं. कमिंग टू इंटरनेशनल लॉ, तो इंटरनेशनल लॉ इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. अगर आप उसको समझ पाते हैं, इफ़ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, तो आपके लिए आंसर करना मुश्किल नहीं है उसके लिए. द सोशियोलॉजी वन इज़ द ईजियर पोर्शन. अगर आप ये कर लेते हो कि आप बाकी सारे सब्जेक्ट्स आपने मुश्किल रख लिए, सोशियोलॉजी आसान सब्जेक्ट है, थोड़ा टाइम लगता है, ईजिली आप उसको आंसर कर सकते हो. तो आई थिंक सोशियोलॉजी वॉज फाइन एज वेल. इट्स वन ऑफ, इट्स लाइक दी मोस्ट क्रूशियल मैटर, नॉट इवन वन ऑफ द मोस्ट, दी मोस्ट क्रूशियल मैटर. क्योंकि आपके ना रिटर्न के मार्क्स डिटर्मिन इवन इफ यू आर गेटिंग एलोकेटेड और नॉट, ये तो डिटर्मिन हो जाता है वहाँ पर. इफ़ यू लाइक इवन फ्रॉम पंजाब, अगर आपके 700 से कम नंबर हैं, तो अब तो कोई उसका है ही नहीं कि आपकी एलोकेशन होगी. तो 600 नंबर होंगे तो यू विल गेट एलोकेटेड. दूसरा ये है कि रिटर्न के मार्क्स अगर आपके इतने आ जाते हैं, तो फिर इंटरव्यू थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए तो यू आर फाइन. वरना इंटरव्यू में मार्क्स लेना, इट्स नॉट डिफिकल्ट, लेकिन यू हैव टू बी वेरी कंपोज्ड एंड हैव अ कंट्रोल ऑन योर नर्व्स फॉर द इंटरव्यू. तो मुश्किल होता है. मेरा जो ख्याल है अपना और जो मैंने अपने टीचर्स से भी सीखा है, कि जिस सब्जेक्ट में आपकी ग्रेजुएशन या मास्टर्स होता है ना, वो आपको CSS में नहीं रखनी चाहिए. बिकॉज यू हैव अ वेरी डिफरेंट आउटलुक ऑफ दैट सब्जेक्ट. उसमें आपको इतनी ब्रॉड चीज़ें आपने पढ़ी होती हैं कि जब यहाँ पर CSS के सवाल आते हैं, तो वो बहुत अलग तरीके से होते हैं. लाइक आई स्टडीड फिजिक्स फ्रॉम कायदे आज़म. तो कायदे आज़म में इट्स ऑल द न्यूमेरिकल एंड द प्रॉब्लम बेस्ड टेक्निक जिससे आपको सिखाते हैं चीज़ें. CSS में इट्स ऑल थेरेटिकल. तो वो फिर बहुत डिफरेंट था. और दूसरा ये कि फिजिक्स आप रखें वो सब्जेक्ट जो आपने पढ़ा हुआ, इफ़ यू हैव अ गुड कमांड ऑन इट. फिजिक्स वॉज नेवर अ स्कोरिंग सब्जेक्ट. इट ओनली बिकेम स्कोरिंग इन 2018.
तो जब स्कोरिंग है ही नहीं तो देर वॉज नो पॉइंट ऑफ ऑप्टिंग इट. अब आई डोंट नो इफ फिजिक्स विल बी अ स्कोरिंग सब्जेक्ट इन द कमिंग ईयर्स और नॉट, लेकिन आज से पहले तो नहीं था. मैं रोज़ाना जब अकेडमी आ रही थी 6 to 9 मेरी क्लासेस होती थी, तो 9 बजे के बाद रात को सोने तक मैं अपना लेक्चर रिवाइज करके उसके नोट्स बना के 1 पेजर नोट्स बना के ही सोती थी. ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने अपने नोट्स कंपाइल के बगैर मैं सो गई हूँ या उस टॉपिक को रिवाइज ना किया हो. बाकी ये है कि सुबह उठ के न्यूज़पेपर, देन जर्नल आपका आ जाता है, इंग्लिश रोज़ पढ़नी चाहिए और कोई एक सब्जेक्ट अगर आपके पास टाइम है. ऐसा नहीं, आई यूज़ टू गो आउट विद फ्रेंड्स फॉर डिनर, हैंग आउट करने के लिए जाती थी. ऐसा एक दिन अगर आप बहुत पढ़ लेते हैं ना तो यू कैन नॉट स्टडी फॉर लाइक होल मंथ, नहीं पढ़ सकते. आप एक दिन पढ़ेंगे, 2 दिन पढ़े, 3 दिन, 4th दिन यू नीड अ ब्रेक. तो बहुत आपको रिलैक्स रहकर तैयारी करनी पड़ती है, वरना इट गेट्स ऑन योर हेड और फिर सी एस एस मुश्किल हो जाता है. गाइडलाइन बहुत ज़रूरी है. गाइडलाइन के बगैर सी एस एस इज़ वेरी हार्ड. लाइक स्पेसिफिकली फॉर पीपल हु डू नॉट हैव अ बैकग्राउंड ऑफ सोशल साइंसेज, उनके लिए गाइडलाइन बहुत ज़रूरी. गाइडलाइन के बगैर आपको डबल या ट्रिपल मेहनत करनी पड़ेगी. तो इट बिकम्स ईजी इफ़ यू हैव अ सॉलिड गाइडलाइन फ्रॉम समवन. आई हैव बीन इन नोवा फॉर लाइक, मैंने तैयारी के लिए ज्वाइन की थी इन सेप्टेम्बर, और सारा टाइम अली सर फरीद दे हैव बीन वेरी अकोमोडेटिंग. मेरा रिटर्न पास ना होता अगर सर अली ना होते, मेरा इंटरव्यू तो होता ही ना अगर सर ना होते. द इमोशनल सपोर्ट जो साइकोलॉजिकल में आपको चाहिए होती है, वो आपको एक मेंटल आपकी एक ना आपको एक प्रोफाइल जो अपना बनाना होता है फॉर द साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन एंड ऑल, इट वुड नॉट हैव पॉसिबल विदाउट नोवा. नोवा इज़ लाइक अ होम टू मी. नोवा से मुझे लगता है कि सिंस आई एम इन ऑफिस मैनेजमेंट ग्रुप, तो आई बीन इस्लामाबाद और आई विल बी कमिंग टू लाहौर एज वेल. तो मेरे ख्याल से नोवा से तो एक वो अटूट रिश्ता बन चुका है. मेल जेंडर है उनके लिए तो इट्स लाइक उन्हें काम करना ये करना है, बट फॉर फीमेल्स ये ज़्यादा ज़रूरी है. अगर आप कंसिडर करें आजकल का माशा, तो वुमेन हैज़ टू बी इंडिपेंडेंट. और सिविल सर्विस इज समथिंग कि इट गिव्स यू अथॉरिटी एंड इट गिव्स यू रिस्पेक्ट, और जो प्रिविलेज और पर्क्स आपको मिलते हैं, यू बिकम सेल्फ सफिशेंट. इसके दिस इज़ लाइक द बेस्ट थिंग यू कैन डू इन पाकिस्तान इफ़ यू वॉन्ट टू वर्क इन गारमेंट सेक्टर. और औरतों के लिए तो इट्स लाइक इससे बेहतर तो कुछ है ही नहीं. यू गेट लाइक आई एम इन ऑफिस मैनेजमेंट ग्रुप, आई हैव माई ऑफिस टाइमिंग्स फ्रॉम 9 to 5. I'll be able to work, I'll be able to spend time with the family. तो मेरे ख्याल से कि it depends on priorities as well, या आपकी लाइफ से क्या expectations या क्या priorities हैं. लेकिन civil service is like one thing, हर किसी को तैयारी करनी चाहिए, CSS की attend भी देनी चाहिए. Even if you are not into this कि मैंने ये नौकरी करनी है, मेरे ख्याल से हर बंदे को पाकिस्तान में, हर student को ये करना चाहिए, because it gives you a different perspective. आपको पता चलता है कि आपके आस पास आपके माशरे में क्या हो रहा है. जब मैं भी आई थी तैयारी करने अकेडमी में, तो मुझे ये नहीं पता था कि व्हाट इज़ सीपैक, मुझे नहीं पता था. मुझे लाइक कुछ पता, सर ने जब बोला भी तो मैं लिख रही हूँ सीपैक, बट आई डिडंट हैव एनी आइडिया दिस चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, आई डिडंट नो एनीथिंग. तो नहीं पता होता नॉर्मली, ठीक है, लाइक नॉट लाइक नो ऑफेंस टू द फीमेल्स, लेकिन वी आर नॉट रियली इंटरेस्टेड इन करंट अफेयर्स. हमारा सा इंटरेस्ट डेवलप नहीं किया जाता मेजॉरिटी ऑफ द ख्वातीन का. लेकिन ये आपको आप सीख लेते हो टाइम के साथ. लाइक जिस तरह तैयारी कराई गई है मुझे अकेडमी में, सर फरीद से करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं, तो आई थिंक वो जो पढ़ाते हैं वही बहुत हो जाता है आपको हर सब्जेक्ट के करंट अफेयर्स के लिए. इट हेल्प्स यू इन IR जो पढ़ा रहे होते हैं, पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स, आधी तैयारी तो वहीं से हो जाती है. तो आई थिंक आप जैसे देखें टॉपर इस दफ़ा की खातून ही है, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता इफ़ यू आर अ फीमेल और अ मेल, बात पे इट डजंट मैटर एट द एंड ऑफ द डे. मोटिवेशन वॉज लाइक के मेरे हमेशा दिमाग में ये बात रही है कि आई वॉन्टेड टू बी समथिंग कि मेरे अब्बा जो हैं वो देखें मुझे कुछ बने हुए. तो मैं हमेशा ये दुआ करती रही हूँ कि अल्लाह ताला मेरे वालिद साहब को इतनी सेहत दे, उतनी उम्र दे दें कि वो मुझे कुछ बना हुआ देख लें. तो अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब अल्लाह का जितना शुक्र अदा किया जाए कम है. ये इस मोटिवेशन है मुझे इस पाथ पे रखे रखा कि मैंने करनी है CSS, करनी है CSS. I have been very hardworking. I wasn't a very intelligent student, but I have been very hardworking, and this kept me motivated ki maine ye karna hai, aur bas there is no other way out. Ye jo students kar rahe na aap dekhe, it's like mid November end hone wala hai, to abhi to unko ek tarah se aadhi preparation ho jani chahiye, lekin agar nahi bhi hui to koi baat nahi hai. Kuch log bilkul end pe aake taiyari bhi kar dete hain. Ab ye sochna chahiye ki this is the time to make or break your future, bas kyunki abhi ka time agar pad lenge na, तो जब फरवरी के बाद का टाइम आता है और जो अक्टूबर तक आपको इंतज़ार करना पड़ता है रिजल्ट का, दैट इज़ अ वेरी पेनफुल टाइम. और अगर आपको ये पता हो कि आपने एग्ज़ाम में कोई गड़बड़ करके आ गए एंड यू हैव नो अदर प्लान बी, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है. तो अभी मेहनत कर लें, 2-3 महीने लगाना ज़िंदगी के, इट्स ईजी, रादर देन बाद पर आप ये सोचेंगे मेरी अटेंड भी ज़ाया हो गई या मैंने तैयारी भी नहीं की.
तो आई थिंक अभी जो कर लें मेहनत कर लें, अभी बस एस की तैयारी करें, प्रेसी करें, इस्लामियात की करें, इन तीन सब्जेक्ट्स पर बहुत फोकस होना चाहिए. नॉर्मली स्टूडेंट्स बाकी सब सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं लेकिन ये सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ते, तो इन पे तैयारी करें तो आई थिंक इट विल बी फाइन. मुसलमान इस्लामियात में इसलिए फेल होते हैं क्योंकि हमें CSS का इस्लाम लिखना होता है पेपर में. अब जो CSS का इस्लाम है वो इट्स द इस्लामियात इज़ नॉट वेरी इस्लामिक इस्लामिक, थोड़ा थोड़ा सा मॉडर्न इस्लाम है आप हमारे CSS वाले कोर्स में. तो इसमें पता नहीं आई कुडंट गेट इट कि लोग मे बी बिकॉज पीपल डू नॉट, उनको ये लगता है कि हम रखेंगे आयात का तर्जमे लिखेंगे बहुत ज़्यादा या आयतें लिखेंगे तो नंबर आ जाएंगे, लेकिन दिस इज़ नो स्ट्रैटेजी. आई डू नॉट रिमेंबर राइटिंग मोर देन वन आयत तर्जमा इन पेपर, और वो भी ज़कात के मुसारिफ का तर्जमा था, वो मुझे बचपन से याद था इसलिए मैंने लिख दिया था. लेकिन आयात के तर्जमा लिखना कोई ज़रूरी नहीं है. द मोर हेडिंग्स यू मेक द लेंथियर योर पेपर विल बी, यू विल गेट मोर मार्क्स इन इस्लामियात. इस्लामियात में क्वान्टिटी डज मैटर, क्वालिटी मैटर्स बट क्वान्टिटी डज मैटर एज वेल, स्पेशली इन इस्लामियात पेपर. आपको इन्वेस्टमेंट भी नहीं है इतनी, टाइम इन्वेस्टमेंट है, मनी इन्वेस्टमेंट नहीं है. तो टाइम तो आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, मनी इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं है. आपने यू कैन गेट सेकेंड हैंड बुक्स फ्रॉम एनी वेयर, आराम से मिल जाती हैं. दे आर डिफरेंट फॉरम जो कि किताबें डोनेट भी कर रहे होते हैं. दूसरा ये कि अगर आप देखें अकेडमी की फीसेस, इट्स कंपेयर टू द रिवॉर्ड विच यू गेट इन द एंड, कुछ भी नहीं है अकेडमी की फीसेस. तो मेरे ख्याल से इट्स अबाउट द एफर्ट यू पुट इन. आप मेहनत जितनी करेंगे आपको उतना फल मिलेगा. ये क्रूशियल टाइम है, इस टाइम में आप लोग मेहनत करें. इफ़ यू आर नॉट सीरियस नाउ तो फिर यू विल नेवर बी सीरियस. ये पूरा जो टाइम है आपका CSS की रिटर्न प्रिपरेशन का, फिर आप इंशाल्लाह जब पास हो जाएंगे तो आपका साइकोलॉजिकल इंटरव्यू, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पीरियड. और फिर जब सब सारा गुजर जाएगा ना तो आपको मज़ा आएगा कि आप कहेंगे यार कितना मज़े का टाइम था. तो एंड देन जब CSA आप आएंगे तो CSA विल बी, जब आप बहुत रिग्रेस ट्रेनिंग करेंगे तो यू विल एंजॉय इट एज वेल. तो बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन. अल्लाह ताला आपको कामयाब करें.